देखिए, ये जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वी आर प्रोकरिंग, जो हम प्रोकर करते हैं फूड ग्रेन्स, वी आर प्रोकरिंग इट फ्रॉम FCI, और FCI के पास इसको सफिशिएंट स्टॉक है। हमारे पास भी पूरे महीने का स्टॉक है, और जो अगर हम ओवरऑल वादी का देखेंगे तो वादी में 2-3 महीने का स्टॉक ऑलरेडी होता है FCI के पास, तो उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन भी होता है उसके बावजूद भी जो हमारी मतलब राशन की गाड़ियाँ होती हैं उनको अलाउ किया जाता है, जिसका हमने पिछले साल भी हमने मुशाहिदा किया कि कहीं पे भी राशन की गाड़ी को रोका नहीं गया, ना नेशनल हाईवे पे रोका गया और ना यहाँ पे सिटी में या हमारे टाउन में उनको रोका गया, तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सर, हाल ही में जो नए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुए, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, डायरेक्टर बदलते रहते हैं, डायरेक्टर साहिबान इससे पहले भी आते रहे और भी आएंगे। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एज वाइस ऑफिसर बराई महकमा। बहुत सी उम्मीदें हैं हमें उनसे वाबस्ता। ये जो डिपार्टमेंट है ये एक आम सारिफ की पेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें दिन रात काम करने की ज़रूरत है। हमने डॉक्टर साहब के बारे में सुना है, अभी पूरी तरह से देखा नहीं है कि बहुत ही मेहनतकश इंसान है, बहुत ही ईमानदार है, तो इस डिपार्टमेंट में ऐसे सरबराह की बहुत ही अशद ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इनकी सरबराही में ये महकमा और तरक्की करेगा और आवाम की और खिदमत करने का हमें और मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो मुलाजमीन के मामला और मसाइल हैं उन पर भी डॉक्टर साहब से हमें उम्मीद है कि वो उनको भी हल करने में अपना वक्त निकालेंगे। सर, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो पब्लिक के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, भीड़ तो हर शहर में है, हर गली में है। अभी जो पिछले साल हमें एक खौफ था कोविड का, लेकिन मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे आवाम के अंदर वो खौफ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए वेव फर्स्ट से ज़्यादा ये वेव सेकंड ज़्यादा ख़तरनाक है, एज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक ये ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन बेखौफ लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क के बिना भी बाहर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आवाम से ही गुजारिश करेंगे आपके वसादत से कि मेहरबानी करके गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना आए। जिसको भी घर से बाहर आना है पूरी तरह से मास्क लगा के बाहर आ जाए, और जहाँ पर भी अगर कोई सौदा सरफ लेना हो, वहाँ पर अगर कोई रश होता है तो उस रश में, उस भीड़ में ना जाए, बल्कि वहाँ पे डिस्टेंस बना के चले। और साथ ही साथ मेरी जितने भी ट्रेडर्स हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है, और हमारे जो राशन डिपोट्स हैं ये भी तो एक शॉप ही हैं जहाँ पे लोग राशन लेते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब।